गुदगुदी जंक्शन समूह द्वारा बीती शाम गुदगुदी एक्सप्रेस 10 से राजकुमार धीमान के हरिनगर स्थित निवास पर 33वां टी विद गुदगुदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए संस्थापक सदस्य अवनी गुप्ता ने बताया कि संस्थापक अध्यक्ष चंद्रमौली गौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम का संचालन समूह संरक्षक जितेंद्र बंसल ने किया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने कुशल क्षेम वार्ता के साथ साथ सभी 13 ग्रुपों को और अधिक बेहतर बनाने पर विचार विमर्श करके सुझाव भी दिए। इस दौरान म्यूजिकल अंताक्षरी में सभी सदस्यों ने बारी बारी से अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनाकर समा बांधा, जिनमें कैप्टन गुरमेल सिंह द्वारा मधुबन खुशबू देता है, सोम सिंधवानी द्वारा दिल इंसान का एक तराजू, सुनील अंगिरस द्वारा लिखे जो खत तुझे और सूबेदार रविंदर कौशिक द्वारा हंसते हंसते कट जाए रस्ते काफी सराहे गए। वहीं शिक्षाविद डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा ने आज के दौर में बढ़ रही बेवजह की टेंशन पर विचार व्यक्त किए। कैप्टन गुरमेल सिंह और सूबेदार रविंदर कौशिक ने कारगिल युद्ध के संस्मरण सुनाए। सभी सदस्यों ने भारतीय सेना के सम्मान में खड़े होकर सैल्यूट किया। अवनी गुप्ता ने बताया कि 5 मई को गुदगुदी समूह के व्यवसायिक ग्रुप ट्रेडिंग एक्सप्रेस का 1 वर्ष सम्पन्न होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में एक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुदगुदी जंक्शन द्वारा प्रत्येक माह टीम सदस्यों के लिए मासिक बैठक, सभी सदस्यों के परिचय के लिए परिचय सम्मेलन व 15-20 सदस्यों की मंत्रणा हेतु टी विद गुदगुदी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। सभी सदस्य एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं, साथ ही आपसी भाईचारा भी मजबूत हो रहा है। अगला परिचय सम्मेलन टी विद गुदगुदी कार्यक्रम हिसार और सहारनपुर में होगा। कार्यक्रम में सचिव सुनील अंगिरस, डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा, राजेंद्र बुद्धि राजा, राज अरोड़ा, प्रवीण सैनी, कैप्टन गुरमेल सिंह, सोम सिंधवानी, सूबेदार रविंदर कौशिक, तरुण खुराना, राकेश मंसल, अनिल पराशर, कमल अरोड़ा, सनातनी बंसी वत्स, मधु धीमान, दिव्यम धीमान, प्रीति धीमान और रमन धीमान आदि शामिल हुए।